सो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है BMW की G310 RR। तो आज हम करने वाले क्या है कि इसका माइलेज टेस्ट करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो हम लोग इसको मीटर का इसका मीटर को रीसेट करेंगे सबसे पहला। उसके बाद रीसेट करने के बाद फिर हम लोग इसको चलाएंगे, और फिर वापस जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका कितना एवरेज आया है, और किलोमीटर के हिसाब से वो हम लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये तेल कंजम्पशन कर रही है। तो अभी इसको लिए हुए हमें 1 वीक हुआ है, और ये टोटल अभी ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर के अराउंड चली हुई है। तो चलिए फटाफट इसका मीटर वगैरह रीसेट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैंने अपना हेलमेट वगैरह सब अपना सेटअप कर लिया, हालांकि ये हेलमेट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये ग्रीन कलर का है और ये बाइक अभी नहीं है। तो हमने अभी नया हेलमेट लिया नहीं है, बाइक तो ले ली, नया हेलमेट नहीं लिया। तो सब आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस बाइक से रिलेटेड सब वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइक ऑन करते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा लोगो। तो अभी आप देख सकते हो ये 240 किलोमीटर चल चुकी है बाइक हमारी। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि हम इसमें जाके इसका मीटर को सबसे पहले रीसेट करते हैं। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में जाकर माइलेज में जाना है। तो अभी आप देख सकते हो ये 19 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज आ रहा है। कल मैंने कैलकुलेट किया था 21 आ रहा था। तो अभी हम लोग इसको रीसेट करने वाले हैं। तो रीसेट के लिए हमें क्या करना होता है, इसको ऐसे नीचे करना होगा और यहाँ पर ये रीसेट का ऑप्शन में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हमको सेट दबा देना है। तो आप देख सकते हो सेट दबाने के बाद ये हमारा एवरेज माइलेज कुछ नहीं शो कर रहा है। तो बस आप फटाफट बाइक को निकालना है और अपने जाना है। ये आप देख सकते हो ऐसे नाइट चेंज हो गया, क्योंकि अभी हम इसको नाइट मोड में, यहाँ ऊपर सब पूरा अंधेरा है इसलिए नाइट मोड में ही आ गया है। अगर यहाँ पे ऐसे फ्लैश चला के मैं वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे वाइट आ जाएगा। तो ये इसमें ऑटोमेटिक सेंसर है, उसको हम लोग चेंज करके मैनुअली भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अब इसको हम लोग सेट कर दिए हैं, अपना एग्जिट करते हैं। अभी आप देख सकते हो ये 240.3 किलोमीटर। तो हम लोग राउंड फिगर में इसको 240 किलोमीटर ले लेते हैं, और अब इसको चला के लाएंगे, देखेंगे कितना ज़्यादा इसका माइलेज आ रहा है। तो अब देख सकते हो अभी हम लोग का बाइक पूरा रेडी है। इसका टायर अगर हमने खोल दिया था वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट अब निकलते हैं। तो गाइस अभी 5 किलोमीटर हमें ऑलमोस्ट हो चुका है चलते हुए। तो बीच में थोड़ा अंधेरा था इसलिए मैंने वहाँ पर व्लॉग नहीं किया, मोटो व्लॉग। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा लाइट वगैरह ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और यहाँ अभी मैं आईफोन 11 से वीडियो बना रहा हूँ वाइड एंगल में। तो ये आप फ्रेम देख सकते हो कैसा लग रहा है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसे GoPro भी लेने का। तो अगर देखते हैं, अगर हो पाएगा तो GoPro भी ले लेंगे या फिर ऐसे फ़ोन से ही ब्लॉग करेंगे। तो हम लोग अभी फाइनलाइज कुछ हुआ नहीं है, तो चलिए फटाफट अब देखते हैं। मैं इसको नॉर्मल सिटी में ही चला रहा हूँ, और देख सकते हो ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं है, और मेरा अर्बन मोड में ही पूरा वीडियो टेस्ट करने वाला हूँ। तो भाई स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड और जो रेन मोड होता है, तीनों में अलग अलग माइलेज वैरी करता है, क्योंकि उसमें मतलब ट्रैक्शन के ऊपर सब डिपेंड करता है कि आप कैसा इसमें पावर ले रहे हो बाइक से। तो अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पावर बाइक में आ जाती है, और ट्रैक मोड में तो ज़्यादा ही स्पोर्ट्स के जैसे ही, और रेन मोड में क्या है कि थोड़ा ट्रैक्शन उसका कम हो जाता है। तो सबके ऊपर डिपेंड करता है, राइडर के ऊपर, चलाने के ऊपर। हो सकता है कोई, अगर आप लोग चला रहे होगे तो उसमें डिफरेंट इसका माइलेज आएगा, मैं चला रहा हूँ डिफरेंट आएगा, तो वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फटाफट अब मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है, मैं अपना काम अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर चलेंगे कुछ खाने वाने, खा पी के हम लोग फिर अपना वापस घर जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा 10-12 किलोमीटर अराउंड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अपना काम वाम करते हैं, निपटाते हैं सब काम, उसके बाद फिर खाना वाना कुछ खाते हैं और फिर डायरेक्ट घर निकलते हैं, और लास्ट में हम इसका देखेंगे। तो पूरा व्लॉग में बने रहिएगा। हम लोग रुके हुए एक ब्रेक के लिए, तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घर। और हम खाने आए पिज्ज़ा, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है यहाँ पे, देसी पिज़्ज़ा यहाँ पे मिलता है गणपति फास्ट फूड। अभी तक इसे हमने 247 किलोमीटर, मतलब कि 7 किलोमीटर और चलाया है, 247.3 है एग्जैक्ट, 7 किलोमीटर चलाया है हमने। तो चलिए इसको और थोड़ा चलाते हैं, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक हम लोग चलाएंगे,
फिर उसके बाद इसका माइलेज देखेंगे। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं एकदम स्लो स्लो चल रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि मैं बाइक रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक रनिंग ट्रैफिक है, मतलब भीड़ भाड़ है, क्राउडेड एरिया है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो चुका है मुझे क्योंकि ये धनबाद वाले एरिया में थोड़ा सा जाम होता है। तो चलिए फटाफट अब इस ट्रैफिक से निकलेंगे आगे शक्ति मंदिर वाले रूट से हम लोग धनसार होते हुए, फिर वहाँ पर से एकदम हम लोग को हाईवे मिल जाएगा प्लेन। तो बस उस रास्ते से आराम से जाना है। तो मतलब आप लोग समझ सकते हो नॉर्मल सिटी राइड ही हुआ ये, और अर्बन मोड में तो देखते हैं इसका क्या माइलेज आएगा। अभी मैं वापस आ चुका हूँ और आप देख सकते हो बाइक हमारी इधर आ चुकी है, एकदम ब्रांड न्यू लग रही है और हालांकि नई है ही। तो चलिए फटाफट अब इसका देखते हैं कितना किलोमीटर हुआ है इसका। तो अभी आप देख सकते हो इसका 253.8 किलोमीटर हुआ है। तो एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं इसको 240.3 किलोमीटर था, तो अभी 253.8 किलोमीटर है। तो इसका ऑलमोस्ट हुआ 13.5 किलोमीटर, तो 13.5 किलोमीटर चली है वो कि अर्बन मोड में। तो मैं सिटी था, ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह मोड में अभी चलाता नहीं हूँ क्योंकि भाई अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है। तो चलिए फटाफट अब इसको देखते हैं हम लोग, सेट में आए हम लोग और इसका माइलेज, माय व्हीकल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और माइलेज, भाई मोमेंट ऑफ ट्रूथ ये देख सकते हो आप लोग, इसका 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा माइलेज इसका है। तो सिटी के राइड में अर्बन मोड में आपको 24 किलोमीटर पर आवर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अभी फर्स्ट सर्विस इसका हुआ नहीं है, तो कंपनी ने भी क्लेम किया है कि वो 20 से 25 के अराउंड इसका माइलेज मिलेगा सिटी के अंदर। बाकी स्पोर्ट्स मोड वगैरह मैं अभी तक इसमें ट्राई नहीं किया हूँ सच बताऊँ तो, बस एक बार ऐसे ही ऐसे ट्राई करने के लिए कि वो सब चल रही है कि नहीं अच्छा से, बस वो सब के लिए अनेबल किया था। बाकी मैं इसमें राइड ही नहीं करता क्योंकि भाई अभी नई बाइक है, इसको हिसाब से ही चलाना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है तो इसको ध्यान रखना मेरे ही ऊपर आता है। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा वैसा कुछ करता नहीं हूँ, बस खाली इसका टायर अगर मैंने खोला था, जो कि आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।